देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लड़की का इन्होंने पीछा करा ऑटो से, तो लड़की को करके, लड़की तो अकेली जा रही थी, जब वो गेहूं लेने लड़की आई सड़क पे करकट डूमा पे, तो वहां पे लड़की को घेर लिया उन्होंने, पकड़ के मारा कूटा और फिर वहां पे दस्ते में से गाड़ी में बैठा के लेके आए हैं नगर के अंदर, तो बाल काट दिए गाड़ी के अंदर। किन लोगों ने बाल काटा जी? जो लड़के वाले हैं जी, जिससे शादी हुआ था? नहीं, जो लड़का पीछे लगा हुआ था शादी वाला। नहीं जी, जो लड़का उसके पीछे लगा। हाँ, तो बाल इसी जगह पे काटा? नहीं जी, रस्ते में भी काटे गए, फिर यहाँ पे ला के कमरे के अंदर बंद कर दिया था। इस कमरे में? नहीं, पड़ोस में ही है जी। अच्छा, पड़ोस का लड़का था। तो लेडीज कौन मार रही थी चप्पलों से, वो कौन है? लेडीज जी, एक बेबी थी, नाम बेबीन है, जो उन लड़के की चाचियां वाचियां थी। उस लड़के हाँ, की तरफ से मारा? हाँ, लड़के की तरफ से मारा गया है। अभी जो लड़की कहाँ है? लड़की स्टैम थाने में है, थाने में। महिला समिति में। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस के बाद कल घटना कमरे के अंदर बंद किया गया लड़की को। पूरी घटना सुनो ना आप, तो कमरे में बंद, वहाँ से ला के करकडूमा से यहाँ फिर कमरे में बंद किया गया है, फिर उसके सिर के सारे बाल गंजी कर दी लड़की को, तो लड़कों ने गलत काम भी किया, रेप किया है लड़की के साथ इसी कमरे में। हाँ, लड़की वालों ने, और उसके बाद लड़की का मुंह काला करके नगर के अंदर घुमाया गया है और जूतों की माला पाई गई है। फिर लड़की, छोटी लड़की ने फिर बाद में कॉल करी, कॉल करके फिर पुलिस को, किसी का पड़ोस का फोन लेके कॉल करके फिर पुलिस आई, तो पुलिस वालों को भी कहते तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस, पुलिस के ऊपर भी है, बोलने लग गए। फिर वो पुलिस चली गई, फिर दोबारे आई पुलिस तो फिर उनको पकड़ के ले गई। और यहाँ के लोग विरोध नहीं किया जब? जी, विरोध किसी ने साथ, जो साथ देता था उसको मारते थे वो लोग। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।